तो ये चीज हमने देख ली कि जो पैम नोड है उसकी जो जो फेल ओवर है वो किस तरह से वर्क करता है, और उसमें जो मैनुअल तरीकाकार है, क्योंकि हम टू नोड रिडंडेंसी को देख रहे हैं, तो मैनुअल तरीकाकार ही वो ऑप्शन है हमारे लिए जिससे हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, जो सेकेंडरी पैन है उसमें जब आप लॉगिन होते हैं तो हमने देख लिया कि उसकी जो GUI है वो लिमिटेड है, और ये बात भी हमने देख ली कि अगर हमें ये फील होता है किसी पॉइंट इन टाइम पे कि प्राइमरी पैन जो है वो डाउन है, तो हमें सेकेंडरी पैन की IP को ओपन करके उसको खुद से प्रमोट टू प्राइमरी करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड 20 to 30 मिनट्स। और ये जो सेकेंडरी नोड है, जब ये प्राइमरी पे प्रमोट हो जाएगी तो यू विल गेट ऑल द GUI फीचर्स अवेलेबल वाया दिस नोड। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अपनी GUI को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए, ये 171 में लॉगिन है, और 171 में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में और डिप्लॉयमेंट में आते हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं, तो वी आर एबल टू सी टू नोड्स, आइस ट्रेनर और आइस स्टूडेंट। आइस ट्रेनर जो है वो इस वक्त 3 personas रन किए हुए है, और आई स्टूडेंट भी 3 personas रन किए हुए है, वेयर जो पैन परसोना है वो प्राइमरी रोल में है ऑन आइस ट्रेनर नोड और सेकेंडरी रोल में है ऑन आइस स्टूडेंट नोड। उसके बाद जो मॉनिटरिंग परसोना है दैट इज प्राइमरी ऑन आइस ट्रेनर एंड इट इज सेकेंडरी ऑन स्टूडेंट नोड। सो जो मॉनिटरिंग का जो पर्सोना है उसकी कोई अपनी GUI नहीं है, यू कैन नॉट एक्चुअली, इट्स नॉट टेंजिबल कि आप इसको इस पर्सोना को आप कुछ इसको फील कर सकें। बेसिकली ये जो डैशबोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट जब होगी तो ये सारी मॉनिटरिंग पर्सोना की वजह से ही यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होगी। लिहाजा मॉनिटरिंग पर्सोना के हवाले से तो हम यही एक चेक बॉक्स ही है हमारे पास, और अगर मैं आइस ट्रेनर पर क्लिक करूं तो मेरे पास ये चेक बॉक्स अवेलेबल है, दिस चेक बॉक्स इज द मॉनिटरिंग पर्सोना, इसको मैं यहां से इनेबल डिसेबल कर सकता हूं, दैट इज इट। और इसी तरह अगर मैं आइस ट्रेनर से आइस स्टूडेंट नोड को पुल करूं तो उस पर भी हम देखेंगे कि ये जो मॉनिटरिंग पर्सोना है ये इनेबल है। So there is nothing much behind the scenes, there is too much in monitoring persona, क्योंकि ये जो आपकी visibility information है वो सारी इसी persona की वजह से आ रही है। अच्छा, redundancy point of view से हम ये देख सकते हैं कि trainer node पर अगर मैं monitoring persona को यूं open करूं तो मुझे वो नजर आ रहा है कि इसका role इस वक्त primary है। So trainer node पर जो role है वो primary है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम पैन को आइस ट्रेनर पर प्राइमरी कर दें, वेयर एज हम MNT रोल को आइस स्टूडेंट पे प्राइमरी कर दें? तो हमने ये बात की थी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीजें हैं, इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कर सकते हैं। लिहाजा अगर हमारे पास पैन 171 के ऊपर प्राइमरी है और पैन 181 के ऊपर सेकेंडरी है, फिलहाल MNT का जो पर्सोन है वो यहां प्राइमरी है और MNT का पर्सोना यहाँ पर फिलहाल सेकेंडरी है, लेकिन मैं ये कहूँ हम इसको अवेलेबल। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं इस नोड के ऊपर इसको
सेकेंडरी कर दूं और इस नोड के ऊपर जाकर के मैं इसको प्राइमरी कर दूं, तो उसको करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इस चीज को करने का तरीका ये है कि हम ये जो आई स्ट्रेनर है इसमें रह करके इस पर क्लिक करें और इसका रोल सेकेंडरी कर दें, या हम स्टूडेंट पे क्लिक करें और उसके मॉनिटरिंग में आके यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर लें। सो एज एन एग्जांपल मैं ट्रेनर पर हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि ट्रेनर का जो मॉनिटरिंग पर्सोना है इसका रोल आप सेकेंडरी कर दीजिए। जैसे ही मैंने कोई चेंज किया, वी कैन सी सेव का बटन अपीयर हो गया एंड वी विल प्रेस सेव। इट विल टेक सम टाइम और आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू सी कि जो ट्रेनर है उसकी जो मॉनिटरिंग पर्सोना एबिलिटी है वो सेकेंडरी हो गई है और स्टूडेंट साइड पर मॉनिटरिंग पर्सोना जो है वो प्राइमरी हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ये इस चीज का सबूत है। सो वंस दैट इंफॉर्मेशन इज अप्लाइड, दैट चेंज इज अप्लाइड, वी विल सी कि प्राइमरी स्टिल पैन हमारे 171 पर होगा, वेयर एज सेकेंडरी जो एमएनटी का रोल है वो हमारे 171 पर सेट हो जाएगा। तो इनको हमने फ्लिप कर दिया और इनको हमने एज इट इज रहने दिया। सो इफ वी क्लिक ऑन ट्रेनर, द मॉनिटरिंग नोड ऑन ट्रेनर इज नाउ सेकेंडरी, वी आर ऑन ट्रेनर नोड। स्टूडेंट को पुल करते हैं तो आई स्टूडेंट जो है उसका रोल ऑटोमेटिकली प्राइमरी हो गया। और अगर हम दोनों नोड्स का कंबाइंड स्टेटस देखें, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर दें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पैन नोड है वो आइस ट्रेनर के ऊपर प्राइमरी है, वेयर एज जो एमएनटी नोड है वो आइस ट्रेनर के ऊपर सेकेंडरी हो चुकी है और दूसरी साइड पर एमएनटी नोड प्राइमरी हो चुकी है। सो ये चीज करना मुमकिन है। हाँ, क्योंकि नोड्स ही दो हैं तो मैं इसको अनचेक नहीं करूंगा बिकॉज आई नीड एटलीस्ट टू मॉनिटरिंग, लिहाजा अगर मेरे पास मल्टीपल नोड्स होती तो इसको अनचेक ही कर देना किसी नोड पर, यह भी मुमकिन है क्योंकि आप शायद नहीं चाहते कि वो वाली जो नोड है वो मॉनिटरिंग के कामों को करे। हो सकता है वो सिर्फ डेडिकेटेड पीएसएन हो, बट वो दो से ज्यादा नोड्स में ही ऐसी चॉइस मुमकिन है। अच्छा जी, इसके बाद बारी आ जाती है पीएसएन की और हमने इस चीज पर बात की थी कि पीएसएन जो है वो कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, तमाम की तमाम पीएसएन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली वर्क करती हैं एंड दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ प्राइमरी और एक्टिव। सो इस वक्त मेरे पास दो पीएसएन आ रही हैं सेटअप में, एक पीएसएन मेरी 171 पर है, एक पीएसएन मेरी 181 पर है, तो इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी का रोल नहीं है, दे आर बोथ एक्टिव। लिहाजा अब इन पीएसएन को यूज कैसे किया जाएगा, यू नो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है अगर उसने गुई खोलनी है इसकी तो वो इंटरेक्ट करेगा या इस आईपी से या इस आईपी से, दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईस। वेयर एज जो नेटवर्क एक्सेस डिवाइस है जिसके ऊपर आकर के आपका एंड पॉइंट कनेक्ट होना है, उस नेटवर्क एक्सेस डिवाइस ने जो आइस क्लस्टर से बात करनी है वो बात बेसिकली इसने पीएसएन से करनी होती है। सो जो नेट है इट कैन बी अ स्विच, इट कैन बी अ राउटर, इट कैन बी एएसए, इट कैन बी अ वायरलेस लैन कंट्रोलर और सो ऑन। तो नेट PSN के साथ बात करेगा और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं या टेकएक्स यूज किया जाता है या यहाँ पर रेडियस यूज किया जाता है। टेकएक्स को इस्तेमाल करने के लिए हमने ये भी देख लिया था कि एक स्पेशल लाइसेंस है, सो वी नीड टेकएक्स लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज दिस एबिलिटी। और रेडियस के लिए हमें जो लाइसेंस चाहिए थे वो हमने देख लिए थे, वी नीड बेस, वी नीड प्लस एंड वी नीड एपेक्स। इसमें जो बेस लाइसेंस है इसका इस्तेमाल इधर भी है,
तो अगर कोई सिर्फ इसको टेकेक्स के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो टेकेक्स लाइसेंस भी लेगा, साथ में बेस भी लेगा, और रेडियस के काम के लिए आपको जरूरत के तहत, केस स्टडी के तहत इन तीनों लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब नेट जो है जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, मेट बी ए स्विच राउटर एएसए और डब्ल्यूएलसी, तो नेट में आपके पास जो नजर आ रहे होंगे वो दो आईपीज नजर आ रहे होंगे, आइदर यू कैन कंसल्ट .171 और यू कैन कंसल्ट .181। बोथ ऑफ दीज पीएसएनस बिहाइंड द सीन्स हैव एक्सेस टू द सेम डीबी या सेम जो पॉलिसीज आपकी आईस में कोर पॉलिसीज पड़ी हुई हैं उनकी जो मेन कोर डीबी है उन दोनों के साथ ये यकसा अटैच्ड है। तो आप इसके जरिए ऑथेंटिकेशन करा लें, दिस इज एज गुड एज आप इसके जरिए ऑथेंटिकेशन करा लें। तो इन दोनों में कोई कमी या कोई कोई एक दूसरे से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, दे आर सेम इन फंक्शनैलिटी। तो नेट में अब आपकी मर्जी है कि आप उसे बोल दीजिए कि भाई प्राइमरी आप इसको कंसल्ट कर लिया करो, इफ दिस पीएसएन इज डाउन देन यू शुड ट्राई सेकेंड पीएसएन विच इज ऑन 181, तो इधर से सर्विस मिल जाएगी। एंड इफ यू हैव अनदर नेड, एक और नेड है आपके पास यहाँ, तो इस नेट में आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपका जो प्राइमरी पीएसएन है वो ये है और आपके लिए बैकअप पीएसएन ये है, लिहाजा इस नेट का इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लोड इस पीएसएन पर आया करेगा और ये उसको सेंट्रलाइज डीबी से ऑथेंटिकेट कराएगा, और अगर ये पीएसएन डाउन हुआ तो इस नेट की भी जो लोड है वो इस पीएसएन पे आ जाएगी। सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू वो जो आप सिस्को कॉल मैनेजर के अंदर पब्लिशर और सब्सक्राइबर्स के दरमियान फोन्स की लोड बैलेंसिंग करते हैं, कुछ बिल्कुल उसी तरह से है। तो व्हेन इट कम्स टू द फेल ओवर ऑफ पीएसएन, तो ये चीज आपको क्लियर है कि ये दोनों एक्टिव एक्टिव हैं। फेल ओवर एक्चुअली नेट ने करना है, इसी ने डिसीजन करना है, इसने देखना है कि अगर इधर से इसको कीप अलाइव नहीं मिल रहा है, यहां से नहीं मिल रहे, तो इसको नेट को डिसीजन करना है दूसरी पीएसएन पे स्विच होने का। अगर हम चाहें तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि वो जो आपने कल एक सजेशन दी थी F5 लोड बैलेंसर की, तो हम चाहें तो ये किया जा सकता है कि हम दरमियान में यहां पर एक लोड बैलेंसर लगा लें। वी कैन इंस्टॉल लोड बैलेंसर हियर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसमें हम पीछे 171 और 181 के दरमियान राउंड रॉबिन पॉलिसी भी बना सकते हैं कि भाई कोई हिट इधर भेजो कोई हिट इधर भेजो, और यहां पे जो इसका विप बनेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, हम अपने नेट्स को वो विप एलोकेट कर सकते हैं कि आपका जो ट्रिपल ए सर्वर है वो इस विप पे अवेलेबल है। So you your NATs will hit one IP always and that IP will respond up till at least a single PSN is available in the cluster. तो ये बात ट्रू है कि अगर आपके पास यहाँ पे 50 PSNs हैं, एज्यूम कीजिए आपके पास 50 PSNs हैं जो एक क्लस्टर में आपके पास हो भी सकती हैं प्रोडक्शन नेटवर्क में, तो ये चीज सूटेबल नहीं है कि आप नेट के ऊपर 50 पीएसएन की एंट्री कर रहे हो। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंफिगर फ्रॉम अ नेट पर्सपेक्टिव। तो वहां पर तो फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर एक चॉइस या विशलिस्ट नहीं रह जाती, बल्कि ये कुछ सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी फीचर बन जाता है जो आपको फिर करना ही चाहिए इतने बड़े स्केल के ऊपर। तो पीएसएन का आपस का फेल ओवर जो है ये इस तरह से है। इसमें आपका कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? गुड टू गो।
अच्छा जी, अब बात आ जाती है फेल ओवर की, और फेल ओवर की जब बात आ जाती है तो वो हमने एमएनटी का भी तो डिस्कस करना था कि इसका फेल ओवर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, इफ दिस एमएनटी गोज डाउन व्हिच इज प्राइमरी, तो फिर पीछे जो लॉगिंग और वो सारे मामलात हैं, जो डैशबोर्ड को विजिबिलिटी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेट करना है, इफ दिस प्राइमरी नोड गोज डाउन व्हाट विल हैपन, हाउ विल दिस बैकअप एमएनटी बिहेव। एंड अगर हम पैन की बात करें तो उसमें तो हमने देखा है वी हैव टू मैन्युअली प्रमोट, और अगर हमने ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए हेल्थ चेक नोड लगानी पड़ेगी। एमएनटी का जो फेल ओवर है ये ऑटोमेटिक है, सो इफ दिस एमएनटी गोज डाउन द अदर एमएनटी विल स्टार्ट डूइंग द जॉब, सो यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट द फेल ओवर ऑफ एमएनटी, इट इज समहाउ ऑटोमेटिक। सो एमएनटी इज ऑटो इन टर्म्स ऑफ फेल ओवर। In PAN, you have auto as well as manual, और इसका जो ऑटो है वो किस हद तक ऑटो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। एंड PSN का जो फेल ओवर है दैट इज काइंड ऑफ एन एक्टिव एक्टिव फेल ओवर PSN का, एंड इट इज NAD दैट हैज टू डिसाइड ऑन इट। ओके जी, तो वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर मूविंग ऑन। हमने ये चीज कंक्लूड कर ली कि किस तरह से हम सिंगल स्टैंड अलोन नोड से एटलीस्ट टू नोड्स की रिडंडेंसी की तरफ बढ़ेंगे। उसके जो भी पॉसिबल अवामिल थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए, एंड वी वुड लाइक टू मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। कोई सवाल इस हवाले से आपका है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली सर, वो कल वाला क्वेश्चन जो है वो आपने कहा था कि टॉपिक के एंड पे आप पूछ लें, जी फेल ओवर का फेल बैक कोई पॉलिसी आप बता रहे थे, फॉल बैक पॉलिसी, बैक। जी देखिए जो आपका क्वेश्चन था ना वो था कि अगर आइस नोड डाउन हो जाए तो क्या नेटवर्क चलता रहेगा या नहीं, जी एग्जैक्टली, ऐसा ही? जी, अच्छा, अब देखिए जो नेटवर्क है वो तो ये है ना, ये एंड पॉइंट है, ये आके इस नेट में कनेक्ट है। अब लेट्स अज्यूम कि एक एंड पॉइंट आया, उसने आके नेटवर्क में केबल प्लग की अपनी, और उस वक्त ये भी चीज देखने वाली है कि आपका सवाल मैनेजमेंट प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है या डेटा प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैनेजमेंट प्लेन का मतलब ये है कि आप स्विच को या राउटर को SSH या टेलनेट कर रहे हैं, या आप उसकी सीरियल कंसोल से उसमें लॉगिन हो रहे हैं तो आप उसकी बात कर रहे हैं, या आप डेटा ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप डेटा ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मैं इसके तनाजर में लेके चल रहा हूं। सो एंड पॉइंट आया, उसने केबल प्लग की नेट के अंदर, और उस वक्त आई साफ थी, उस वक्त क्लस्टर में कोई इशू नहीं था। तो नेट जो है वो अपने प्रेफर्ड PSN से रابطہ करेगा, और जो भी प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली डेटा प्लेन की बात कर रहे हैं तो टेकएक्स के जरिए रابطہ होगा, यहां से परमिशन मिलेगी या परमिशन नहीं मिलेगी, एज्यूम करते हैं परमिशन मिल जाएगी। तो जैसे ही परमिशन मिल जाएगी ये वाली पोर्ट तो हो गई अप, इट मीन्स कि ये एंड पॉइंट तो थ्रू हो गया, ये एंड पॉइंट अब अपने जो रिसोर्सेज है नेटवर्क के उनको एक्सेस करना शुरू हो गया, और अब दरमियान में आइस का कोई रोल रह नहीं गया क्योंकि ये अप है, इसकी पोर्ट अप हो चुकी है। अब अगर आइस का सर्वर डाउन हो जाता है, अब डाउन भी होता है तो क्या डाउन होता है, आपको पता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ फेलियर्स हैं, क्या पैन डाउन हो रहा है, क्या MNT डाउन हो रहा है, क्या PSN डाउन हो रहा है, क्वेश्चन बनता है ना। अगर पैन डाउन हो रहा है तो क्या होगा, इस ट्रैफिक पर कोई असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नहीं सर, इस पे असर नहीं पड़े, पेन पे असर नहीं पड़ेगा। पैन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि पैन जो है वो तो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हवाले से है। हाँ, अगर आपको कोई नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो आप नहीं कर सकेंगे,
अगर आपको किसी नई पॉलिसी में कुछ चेंज करना है यहाँ पे कोर पॉलिसी में, यू कैन नॉट डू दैट, जिसको PSNs रेफर करती हैं, टिल यू हैव वन प्राइमरी पैन अवेलेबल बैक, ठीक है। MNT डाउन हो जाए तो क्या होगा, MNT ऑटोमेटिक टेकअप कर लेगी, बट आपको जितनी देर में वो टेकअप करती है आपके पास लॉग्स, अपडेटेड लॉग्स नहीं होंगे, प्रीवियस लॉग तो फिर भी आते रहेंगे। PSN अगर डाउन हो जाती है, आप कनेक्ट हो गए हैं, PSN डाउन हो जाती है, दोनों ही डाउन हो जाती है, आप कनेक्टेड हैं, तो इस एंड पॉइंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो कनेक्ट हो चुका, ये तो पॉलिसी ले चुका। अब PSN डाउन है और लेट्स एज्यूम कि ये कंप्यूटर जो है ये एक दफा यहां से डिस्कनेक्ट होता है, इसी ये अपनी वायर अनप्लग करता है और ये वायर अपनी रीप्लग करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पोर्ट के ऊपर अप डाउन इवेंट हुआ है, पोर्ट अप डाउन हुई है, फ्लैप हुई है, लिहाजा पीछे ये सिलसिला चल पड़ेगा, PSN से रिजू किया जाएगा, PSN से पूछा जाएगा कि बताइए इसके लिए क्या करूं। अब PSN नहीं है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस NAD को ऐसी सिचुएशन के लिए कैसे तैयार किया हुआ है, आइस तो है ही नहीं ना, आइस का तो अब कोई रोल नहीं है, अब रोल है तो इस NAD का रोल है कि ये NAD कैसे बिहेव करेगा। अब अगर ये NAD एक स्विच है तो आप इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी PSN रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो ऐसी सिचुएशन में आप इस कस्टमर की पोर्ट को, इस यूजर की पोर्ट को, यूजुअली तो आप उसको VLAN 10 देते थे जो उसकी कॉर्पोरेट VLAN थी जब वो कनेक्ट होता था, लेकिन क्योंकि आइस तो नहीं है और मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं इसको अब बिल्कुल कनेक्ट नहीं करूं, तो आप इसको VLAN 10 मत दीजिए जो कि इसकी सोल कॉर्पोरेट VLAN है, आप इसको VLAN 50 दे दीजिए। एंड वॉट इज VLAN 50? VLAN 50 is limited communication. तो आपने अपने नेटवर्क में VLAN 50 बनाई होगी इस NAD में, जिसमें आपने लिमिटेड कम्युनिकेशन रखी होगी, तो उस वक्त आपका नेटवर्क डिग्रेडेड सर्विस फैशन में चलता चला जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप कहते हो कि नहीं, अगर कोई भी PSN अवेलेबल नहीं है तो मुझे ये मंजूर है कि कोई भी आए और वो कनेक्ट ही ना हो, तो जाहिर है जब PSN नहीं होगी कोई भी तो आपका यूजर नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, तो उस वक्त नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी, एंड पॉइंट्स की जो लैन केबल्स हैं वो डिस्कनेक्टेड होंगी। डज दिस मेक सेंस? जी सर। विद रिगार्ड, ये थोड़ा दोबारा से रिपीट करेंगे प्लीज? ये जो अभी बात की हमने, जी सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जी अच्छा, मैं जुहेब का ये क्वेश्चन था कि जब आइस में कोई फेलियर आएगा तो उस दौरान जो जो एंड यूजर है उसके साथ क्या होगा। तो एंड यूजर जो है, जो नेट के ऊपर आके कनेक्ट हो रहा है, हमें ये देखना है कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि जो एंड पॉइंट नेट से आके कनेक्ट हो रहा है, ये हम उसके डेटा प्लेन के तनाजर से बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट प्लेन पर्सपेक्टिव, वी आर मूविंग ऑन विद द डेटा प्लेन पर्सपेक्टिव। सो इसमें अगर एंड पॉइंट आके यहाँ कनेक्ट होता है तो नेट को जब क्वेरी करना है PSN को रेडियस के ऊपर कि बताओ मुझे ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है और मैं इसके लिए क्या पॉलिसी, क्या हुक्म है, तो अगर PSN अप है तो ऑब्वियसली ये यूजर कनेक्ट हो जाएगा अपने राइट्स के साथ। अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद PSN डाउन होती है तो ये यूजर चलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन यूजर्स को है जो नए आएंगे नेटवर्क में आफ्टर द PSN, ऑल PSN वेंट डाउन, मतलब टोटल ब्लैकआउट। If all PSNs are gone, you have no PSN to respond, तो ये NAD जब अब नया यूजर आएगा इसके पास, उसके लिए ये प्राइस करेगी कि कोई PSN जवाब दे दे, लेकिन रिजल्टेंट ही कहीं से जवाब नहीं आएगा NAD को,
जब नेट को जवाब ही नहीं आएगा किसी पीएसएन से, इट मींस यूजर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ. नाउ यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू कीप दैट पोर्ट डाउन, लेट हिम सफर टिल आइस रिस्टोर्स, और आप उसको लिमिटेड सर्विसेज दे दें. और तीसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि आप बहुत दयालु हो जाएं और आप नेटवर्क को ओपन कर दें. यू अलाउ एवरीथिंग इन दैट सिचुएशन. दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. और ये सारी की सारी चीज, इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो ये नेट खुद है. इसमें आइस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज आइस इज नो मोर देयर. दिस इज द नेट हु हैज टू डिसाइड. ये बात हमने की. आपका कोई सवाल इस पे? सर, जब ये पीएसएन दोबारा रिस्टोर हो जाएगी तो उस सूरत में ये एक्शन दोबारा रिवर्ट ऑटो होगा कि मैं मैनुअल करना पड़ेगा? नहीं जी, ये हमेशा याद रखेंगे हम कि कोई भी नैड क्वेरीज और कंसर्ट्स पीएसएन ओनली एट द टाइम ऑफ इनिशियल कनेक्शन रिक्वेस्ट. यानी अगर आपका एक यूजर और उसके लिए ये डिसीजन हो चुका है कि बस आपके लिए ये फैसला है, यू विल स्टे डाउन, तो पीएसएन वापस जब आ जाएगी तो आपको यूजर की या तो पोर्ट शट नो शट करनी पड़ेगी, या पीसी रीबूट करना पड़ेगा, या केबल प्लग अनप्लग करनी पड़ेगी. Is that clear? जी. Okay. So अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं. Before we leave deployment area, before we leave this area, conclude कर लेते हैं. ये जो हमारी ट्रेनर की नोड है, इस ट्रेनर की नोड के ऊपर अब हमारे पास चार पर्सोनाज हैं. उनमें से एडमिन पर्सोना चल रहा है इस पे, मॉनिटरिंग चल रहा है, पीएसएन भी चल रहा है, पीएक्स ग्रिड हमने इनेबल नहीं किया हुआ. और क्योंकि इस ट्रेनर नोड का रोल प्राइमरी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिडंडेंसी इनेबल्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल है. इट्स नॉट काइंड ऑफ अ स्टैंड अलोन थिंग. तो उसमें अब ट्रेनर पर रहते हुए इसका बैकअप कौन है, तो वो अगर हम डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करें तो हमें समझ में आ जाती है कि ट्रेनर की पैन का जो सेकेंडरी है वो स्टूडेंट है. अब यहाँ पर हो सकता है आपके पास बहुत सारी लिस्ट में चीजें आ रही हो, अभी तो दो ही है ना. अगर आपके पास 10 नोड्स होंगी तो यहाँ 10 रोज होंगी, तो उनमें फिर आपको इस चीज से पहचानना होगा कि कौन क्या है. अभी तो एंट्रीज ही दो है. अच्छा, तो ट्रेनर में एडमिन इज जस्ट वन चेक. मॉनिटरिंग के अंदर जो ऑप्शन है दैट इज टू मेक इट प्राइमरी और सेकेंडरी. पीएसएन में आइए, पॉलिसी सर्विस नोड में ये जो चेक बॉक्स है इनेबल सेशन सर्विसेज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आप समझ लीजिए आपका जो रेडियस का जितना भी लिसनिंग है वो सब इसके जरिए हो रही है. If we uncheck this, तो आपकी जो typical data plane की जो consultancy है आइस के साथ या जो interaction है आइस के साथ वो बंद हो जाएगी. This is actually enabling your data plane NAC and AAA. So we will keep it turned on. प्रोफाइलिंग सर्विस, आपको पता है आइस का एक फीचर है कि ये आपके नेटवर्क के अंदर लगे हुए एंड पॉइंट्स को खुद ब खुद डिस्कवर करने की अहलियत रखती है. ये उनको उनके बारे में मैक्सिमम डेटा इकट्ठा करेगी और उनकी ग्रुपिंग कर देगी, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर स्निफ करके अपने पास स्टोर कर लेगी ताकि आप बाद में आसानी से पॉलिसीज बना सकें. तो प्रोफाइलिंग सर्विस बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है.
शुरू की लैब्स में हम ये चाहेंगे कि हम प्रोफाइलिंग सर्विस को डिसेबल कर दें, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप प्रोफाइलिंग सर्विस को इनेबल रखेंगे तो ये किसी भी एंड पॉइंट को जो आप नया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, ये उसका मैक वगैरह, उसका आईपी वगैरह स्निफ करके अपने पास डीबी में स्टोर कर लेगा। और जब आप मैक ऑथेंटिकेशन बाईपास की लैब करेंगे, जो कि आगे फ्यूचर में एक लैब आएगी, कि वो लोग जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड देने का फीचर नहीं है, लाइक योर अटेंडेंस मशीन, लाइक योर स्कैनर, योर प्रिंटर, उनमें तो अहलियत नहीं है कि आप उनके कीपैड से जाके यूजर नेम पासवर्ड दें, तो ऐसी डिवाइसेस को जो कि फुली रेडी नहीं है फॉर नैक और ट्रिपल ए, आप उनको उनके मैक से ही बस ऑथेंटिकेट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है मैप में कि मैं ये चाहता हूं कि मैक के ऊपर मेरा कंट्रोल हो, मैं जो मैक ऐड करूं सिस्टम में बस वही कनेक्ट हो। सो इफ प्रोफाइलिंग सर्विस इज टर्न्ड ऑन, तो शुरू की लैब्स में आपके साथ ये होगा, शुरू की लैब्स में, कि उसका मैक पहले ही प्रोफाइल हो जाएगा और वो वाइट लिस्टिंग में आ जाएगा, और आप जैसे केबल प्लग करेंगे तो वो मैक के ऊपर बाय डिफॉल्ट बगैर कुछ किए ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो आपके पास अगर दो कंप्यूटर हैं, आप चाहते हैं एक हो और एक ना हो, तो वो दोनों ही हो रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों प्रोफाइल हो जाएंगे। तो इसलिए इनिशियली इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस प्रोफाइलिंग की सर्विस को ऑफ कर देंगे। तो आज ही इसी वक्त एज वी स्पीक हम इस प्रोफाइलिंग की सर्विस को ऑफ कर रहे हैं ऑन ट्रेनर नोड। ये हमारे फ्यूचर के लिए है। जब हम प्योरली प्रोफाइलिंग को पढ़ेंगे तब हम जाके इस प्रोफाइलिंग की सर्विस को इनेबल कर लेंगे। अच्छा, ये भी सर्विसेज रीस्टार्ट करेगा, सो लेट इट रीस्टार्ट द सर्विसेज। उतनी देर में हम आगे डिस्कशन करते हैं। सर, ये जो लाइसेंसिंग होती है इसकी, इनकी नोड्स की, फॉर एग्जांपल ये टैकेक्स या रेडियस वगैरह के जब लाइसेंस हमने परचेज करने होते हैं, तो इन टू सर्वर एनवायरनमेंट, अब उसमें अगर एक सर्वर डाउन होता है तो वो जो लाइसेंसेज है वो दोनों सर्वर के ऊपर अलग अलग इंस्टॉल होते हैं या वन सर्वर पे होते हैं? जी, ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइसेंस है वो आप सिर्फ पैन को देते हैं और इनका एक पूल है शेयर्ड, जहां से सब पीएसएन लाइसेंस को कंज्यूम करती हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर नोड के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने हैं, इट्स फॉर द होल क्लस्टर। ठीक है, सही है। यानी इफ यू परचेज 1000 बेस लाइसेंसेस और आपके पास 1 PSN है, तो दैट सिंगल PSN इज एंटाइटल्ड टू यूज दोस 1000, एंड इफ यू हैव 10 PSNs, ऑल 10 PSNs विल कंज्यूम 1000 लाइसेंसेस व्हिच आर देयर इन अ शेयर्ड पूल। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास प्रोफाइलिंग सर्विस थी, ये हमने अनचेक करके सेव कर दिया। इसके बाद हमारे पास PSN के ऊपर थ्रेट सेंट्रिक नैक की सर्विस है। ये सर्विस हम तब यूज करते हैं जब हम इसको फायर पावर के साथ इंटीग्रेट करते हैं और वहां से हमें थ्रेट फीड आती है, मैलवेयर वगैरह की इंटीमेशन आती है। इसके बाद हमारे पास जो टैग्स का प्रोटोकॉल है जिसमें हम नेटवर्क सेगमेंटेशन स्टडी करेंगे, कि हम यहाँ से आई से टैग्स पुश करेंगे जो कि हमारे स्विच में या हमारे ASA तक ट्रेवल करेंगे। अगर वो टैग पुश करने हैं तो उसका हमारे पास SXP प्रोटोकॉल है, तो वो हम इनेबल करेंगे, बट दिस विल बी इनेबल्ड व्हेन वी विल गो फॉर दैट लैब। Enable device admin service. This is very important service. If you turn this service on, you are actually enabling TechX. If you will keep this service off, you cannot use ICE for management plane AAA. यानी आप जो switch और router में login होने का AAA करने के लिए ICE को use करेंगे, वो इस checkbox के enable होने से ही मुमकिन है, इसके disable होने से नहीं होगा। So इसको हमें enable करना होगा। तो क्या किया हमने, PSN में आके प्रोफाइलिंग ऑफ कर दी है फिलहाल और डिवाइस एडमिन सर्विस को एनेबल कर लेंगे, और ये दोनों काम हम अपनी फ्यूचरिस्टिक जो लैब्स हैं उनके प्री रिक्विजिट के तौर पर कर रहे हैं।
पैसिव आइडेंटिटी सर्विस का जो फीचर है ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट होके अगर कोई यूजर एडी में लॉग इन है ऑलरेडी, तो उस एडी में ऑलरेडी लॉग्ड इन होने की वजह से दोबारा ऑथेंटिकेट ना करना पड़े, उसी बेस पर ही उसको स्विच पर भी कनेक्ट कर दें, वाईफाई पर भी कनेक्ट कर दें, ये वो फीचर है। सो इफ वी वांट टू इंटीग्रेट विद एडी बेस्ड अपॉन पैसिव आइडेंटिटी तो फिर हम इसको एनेबल करेंगे। और इसकी लाइसेंसिंग भी अलग है, दिस इज अ लग्जरी फीचर, इफ यू वांट टू एंजॉय दैट इसकी लाइसेंसिंग पीआईसी की अलग करनी पड़ती है। और PX Grid is just a persona which we can enable or disable.